की बॉडी मिली थी लापता हुई थी, क्या है पूरा मामला? कल रात को लगभग 11 बजे थाना अयाना पर सूचना आई थी कि ग्राम महमूदपुर के ये शिवेंद्र सिंह दोहरे, इन्होंने सूचना दी है कि इनकी बेटी जो पड़िया चराने गई थी वो घर नहीं आई। तो सारे गांव वालों ने अपना पूरा गांव पहले सर्च किया, जब उन्हें बच्ची नहीं मिली तब उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर तत्काल मैं एडिशनल एसपी सीओ अजीत मल और पुलिस की फोर्स स्पेशल टीम्स बनाकर हमने रात में सर्च करवाया। तहरीरी सूचना पर 363 का अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। इसमें गांव में रात भर में काफ़ी तफ्तीश की गई, देखा गया कौन कौन गांव में था, कौन कौन किस किस के ऊपर शक करते हैं। शक के आधार पे 8-9 लोगों को उठाया गया था, जिसमें सभी से पूछताछ की गई। तो एक अभियुक्त जिसका नाम गौतम है, गौतम सिंह सन ऑफ राजीव प्रसाद दोहरे, ये उसी गांव के महमूदपुर का रहने वाला है, इसने बच्ची के साथ घटना करने को कबूल की। इसकी निशानदेही पर बच्ची की बॉडी अभी कुछ देर पहले बरामद हुई है। मैम, कोई बच्ची के साथ कोई गलत काम भी किया गया था? किस नियत से इसको हत्या की गई है, क्या इसने कबूला है? इन्होंने मादक पदार्थ का सेवन करके बच्ची को ले गए और बच्ची को बिस्किट देने के बहाने से ये ले गए। बिस्किट देने के बाद इन्होंने बच्ची के साथ घटना का रेप की है, रेप किया है और फिर इन्होंने बताया कि वो चिल्ला रही थी तो उसका गला दबा दिया, गला दबा कर हत्या कर दी। सर, बॉडी किसकी खेत में मिली? अभी खेत किसका है नहीं पता चला है, लेकिन जहाँ कल बॉडी के पास, जहाँ से बच्ची को आखिरी बार देखा गया था, वहाँ उसकी चप्पल मिली थी। घटना उसी खेत पे करनी बताई गई और उसके बाद जब गांव वाले पूरी घटना देख रहे थे, पूरे खेतों में ढूंढ रहे थे बच्ची को, उस समय अंधेरा का फायदा उठा के इन्होंने शव को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। इसके ऊपर पहले भी कोई आपराधिक इतिहास है? अभी इनके ऊपर कोई आपराधिक इतिहास की जानकारी नहीं है, तस्दीक की जा रही है। बच्ची की बॉडी का पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम वीडियोग्राफ करके पैनल से कराया जाएगा। अभियुक्त के भी बॉडी से सभी सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए डॉक्टर हेतु भेजा जाएगा। क्या मैडम एक ही आदमी है या इसके साथ और लोग? अभियुक्त के द्वारा घटना के लिए कारित करना आपको भूल किया गया।